हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे यूट्यूब चैनल श्रुति क्रिएशन पे स्वागत है। और आज हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं आंवले के मुरब्बा की रेसिपी। और आज हम इस रेसिपी को एक खास ट्रिक के साथ बताने जा रहे हैं जो इसे साल भर तक प्रिजर्व रखेगा। तो इसके लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल श्रुति क्रिएशन को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए आंवले की मुरब्बा बनाना स्टार्ट करते हैं। और ये हमने लिए हैं 1 kg आंवला, जिसे हमने अच्छे से धोकर सुखा कर रख लिए हैं। और ये हमने थोड़े बड़े साइज़ के आंवले लिए हैं। तो पहले हम आंवले को गोजना स्टार्ट करते हैं। इससे ये होगी कि आंवले अंदर तक सॉफ्ट हो जाएगी और ये सारी चाशनी को आसानी से सोख लेगी। और ये हम आंवले की मुरब्बा की रेसिपी शक्कर से नहीं बल्कि गुड़ से बनाएंगे। तो हो गए ना दो दो फायदे, एक तो आंवला की और एक गुड़ की। तो आंवले को हम अच्छे से फॉक से इसे हम गोज लेंगे। और इसी तरह हम आपको एक और आंवले को गोज कर दिखाते हैं। तो कोशिश करें जब आप इसे प्रिक करें तो थोड़ी अंदर तक करें। बस ये थोड़ी सी मेहनत की काम है। बस थोड़ी सी मेहनत से मुरब्बा बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार हो जाएगी। इसी तरह हमने सभी आंवलों को अच्छे से गोज कर रख लिया है, ये देखिए। और इसके बाद हम आंवलों को स्टीम करेंगे। इसके लिए हमने एक पतीले में 2 ग्लास पानी डाल दिया है। और इसके ऊपर हम जाली वाले बर्तन रखे, इसमें हम आंवले को डाल देंगे। हमने आंवले को इसलिए बॉईल नहीं किया कि हमने आंवले को गोज लिया है और इसे हम पानी में डालेंगे तो ये सारे पानी को एब्जॉर्ब कर लेगा। इससे आंवले ज़्यादा समय तक प्रिजर्व नहीं रहती है। स्टार्टिंग में फ्लेम को हाई करके हम इसे ढक देंगे। वो इसलिए कि हमने पानी को गर्म होने के लिए टाइम नहीं दिया था। और देखें कि पानी जब गर्म हो जाए और भाप बाहर आने लगे तब हम फ्लेम को मीडियम कर देंगे और इसे 7 से 8 मिनट तक पकने देंगे। ये देखिए 7 से 8 मिनट के बाद आंवले का कलर हल्का चेंज हो गया है और ये बिल्कुल सॉफ्ट हो गए। और इसके फाक भी बिल्कुल अलग होने लगे, ये देखिए। इसे हम निकाल कर एक प्लेट में रख लेंगे और आंवले को हम किचन टॉवल से इसे सुखा लेंगे। एक एक कर हम सभी आंवलों को इसी तरह हम अब सुखा लेंगे। और ये हमने 1 kg गुड़ लिए हैं। हमने 1 kg आंवला लिया था इसलिए हम 1 kg इसमें गुड़ डालेंगे। ये देखिए आंवला अभी गर्म है, इससे भाप अभी भी निकल रही है। हम सारे गुड़ को अच्छे से इसमें तोड़कर इसमें डाल देंगे और इसे हम हिलाकर इस तरह से इसे मिक्स कर लेंगे। ये देख रहे हैं गुड़ अब धीरे धीरे पिघल रही है। अब इसे हम ढककर 2 घंटे के लिए इसे छोड़ देंगे। ये देखिए 2 घंटे बाद ज़्यादातर गुड़ सब मेल्ट कर गए हैं, बस थोड़े बहुत ही बचे हैं। और अब हम इसे पकाएंगे। इसके लिए हमने कढ़ाई को गैस पर रख दिया है और इसमें हम सारे गुड़ और आंवले को इसमें डाल देंगे। और मीडियम फ्लेम पे थोड़े बहुत जो गुड़ नहीं मेल्ट किए उसे हम पहले मेल्ट करेंगे। ये देखिए सारे गुड़ अब मेल्ट कर गए हैं। और अब हम मीडियम फ्लेम पे आंवले को पकाएंगे और बीच बीच में इसे चलाते भी रहेंगे। ये देखिए गुड़ अब गाढ़ी होने लगी है और आंवले भी सॉफ्ट होने लगे हैं। पर हम इसे तब तक पकाएंगे जब तक आंवला गुलाब जामुन जैसा ना दिखने लगे। और हम इसे बिना ढके हुए तकरीबन आधे घंटे तक इसे पकाते रहेंगे। ये देखिए गुड़ अब गाढ़ी हो गई है और आंवले के फाक भी बिल्कुल अलग होने लगे हैं। और आंवले ने सारे गुड़ को सोख भी लिया है जिससे ये बिल्कुल गुलाब जामुन की तरह दिख रहे हैं। और अब हम गैस को बंद कर देंगे। ये देखिए इसे 3 से 4 घंटे ठंडे होने के बाद ये बिल्कुल ही गुलाब जामुन के जैसे दिख रही है। आप इसे साल भर तक स्टोर करके रख सकते हैं, ये बिल्कुल भी खराब नहीं होगी। हम आपको एक तोड़ कर दिखाते हैं। ये देखिए बिल्कुल गुलाब जामुन की तरह लग रही है और ये बहुत ही सॉफ्ट हुई है और ये बिल्कुल भी पक गई है।
तो आपको ये हमारी रेसिपी कैसी लगी? अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें।